चलिए गाइस, हम नींबू का अचार बना रहे हैं। तो नींबू का अचार बनाने के लिए पहले आप नींबू अच्छी तरीके से धुल के उसको सुखवा लीजिए। फिर हमने देखिए नमक डाला है, जीरा डाला है, लाल मिर्चा डाला है, हल्दी पाउडर डाला है, काली मिर्च डाला है, हरा मिर्चा भी काट के डालेंगे। और देखिए स्वाद अनुसार हमने नमक डाल के कुछ इस तरीके से हम आपको काट के दिखा रहे हैं। 2-3 दिन तक हमारा सुखाएगा, एक ही डिब्बे में, बाहर नहीं सुखवाना है आपको, डिब्बे में सब मिक्स करके सुखवाना है। और हल्का सा हम तेल भी डालेंगे, इससे अचार हमारा बहुत अच्छा रहता है, रेड चिल्ली से होता है, कलर बहुत अच्छा आता है। देखिए हम आपको दिखा रहे हैं, अभी हमको सब काटना है, इतना काट कर आपको दिखा रहे हैं सब डाल के। जब बन जाएगा तो फिर हम मिलते हैं आपसे। चलिएगा, इसमें नीचे डाले हैं हल्दी नमक, ऊपर से भी डालेंगे, खट्टा है तो नमक ज़्यादा पड़ता है। हल्दी पाउडर, तेल, अब इसको डिब्बा को हिलाकर रख देंगे। 2-3 दिन तक लगातार घाम में रहेगा तो अच्छा से अचार बन जाएगा। नमक की मात्रा ज़्यादा करिएगा क्योंकि खट्टा रहता है और नमक से ही गलेगा ही अचार। अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट बताइएगा ज़रूर। अभी हम हिला रहे हैं क्योंकि एक हाथ से मोबाइल पकड़े रहते हैं, दूसरे हाथ से आपको दिखाते हैं तो मिक्स करके नहीं दिखा पाएंगे, तभी हम हिला कर दिखाते हैं। चलिए गाइस, मिक्स कर दिए हैं। देखिए हमारा नींबू का अचार कितना अच्छा लग रहा है। आप अपने स्वाद अनुसार अदरक भी डाल सकते हैं, मिर्चा भी डाल सकते हैं, खाने में तो बहुत स्वादिष्ट होता है। गाजर भी डालिए,